अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत। वाह, अब तो हमारे गांव में कूड़ा करकट की गाड़ी आना शुरू हो गई है वसीम। हाँ, अब गांव में कोई भी यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकेगा। आपने सुना कि गाना कितना अच्छा चल रहा था, स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा। हाँ, अरे बस करो नूर, हाँ तुम ठीक कहती हो, ये गाना बहुत खूबसूरत है। जब ये गाना सुबह सवेरे चलाया जाता है तो लोग स्वच्छ भारत अभियान से आगाह हो जाते हैं। एक मिनट, आपने क्या कहा? लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के लिए मुतासर करता है? सफाई कब से कोई अभियान बन गया वसीम? अरे नूर, सफाई तो हमेशा से मुहिम का हिस्सा ही रही है। महात्मा गांधी जी यहाँ तक कहते थे कि सफाई आजादी से ज्यादा अहम है। हाँ, हमें आजादी मिल गई वसीम, लेकिन सफाई का ये मसला इतना संगीन क्यों है कि हुकूमत इसके लिए बाकायदा मुहिम चला रही है? महात्मा गांधी जी के ख्वाब को सच करने के लिए मरकज में मोदी हुकूमत एक स्वच्छ भारत मुहिम चला रही है। अच्छी बात ये है कि गांधी जी का ख्वाब आज पूरा हो रहा है और लोग हमारे मुल्क को साफ सुथरा बनाने में अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन कोई भी मुहिम तब कामयाब होती है जब ये मकबूल हो। क्या सफाई की तहरीक एक आवामी तहरीक बन जाएगी? स्वच्छ भारत अभियान पहले ही मुल्क को एक आवामी तहरीक की शक्ल में खुशहाली की राह पर गामजन कर रहा है। आप जानते हैं नूर कि आज लोग सफाई की अहमियत को समझ रहे हैं। मुआशरा बीमारियों से पाक हो रहा है और एक सेहतमंद कौम बन रही है। बीमारी से पाक मुआशरा एक खुशहाल कौम की बुनियाद है। अच्छा वसीम, मुझे बताओ कि किस तरह से स्वच्छ भारत मुहिम हमारे देही इलाकों को साफ सुथरा बनाने में मददगार साबित हो रही है? आज हमारे गांव खुले में रफे हाजत के मसले से आजाद हो चुके हैं। आज हर घर में बैतुल खुला है, जिसका क्रेडिट हमारे मोहतरम वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उसके साथ साथ हमें रियासत के देही इलाकों में स्वच्छ भारत को कामयाब बनाने के लिए मुअज्जज लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, तो आप सबसे हमारी दरख्वास्त है कि एक बार आप सब हमारे मुल्क के मुअज्जज वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी और हमारे रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ वसीम, मुझे बताएं कि स्वच्छ भारत स्कीम ने हमारे देही इलाके में खुशहाली कैसे लाई? इस स्कीम को आवामी फलाह बहबूद क्यों समझा गया और इससे मुआशरे को किस तरह फायदा हुआ? हाँ, मैं आपको और यहाँ बैठे तमाम पंचायत नुमाइंदों को इसके बारे में बताता हूँ। 2 अक्टूबर 2014 को वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया। इस मिशन का हदफ महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह के मौके पर भारत को खराज तहसीन पेश करना था। इस मिशन का महवूर मुल्क भर से खुले में बैतुल खुला के मसले को खत्म करना था। इस मुहिम का मकसद मुआशरे को बिलखसूस खवातीन और बच्चों को साफ महफूज और काबिल रसाई माहौल फराहम करना है। इसी मिशन के तर्ज पर स्वच्छ भारत मिशन देही भी शुरू हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का सबसे बड़ा रवैये में तब्दीली प्रोग्राम बना। इस काम में मसरूफ हजारों पंचायत नुमाइंदों मुलाजमीन और सफाई सुथराई के जंगजुओं की मेहनत बिलाआखिर रंग लाई। आज स्वच्छता अभियान ये न पूज्य बापू का रहा है, न ये भारत सरकार का रहा है, न ही ये राज्य सरकार का रहा है, न ही ये म्युनिसिपैलिटी का रहा है। आज स्वच्छता अभियान देश के सामान्य मानवी का अपना सपना बन चुका है और अब तक जो सिद्धि मिली है वो सिद्धि सरकार की है, ऐसा मेरा रत्ती भर क्लेम नहीं है।
न ये भारत सरकार की सिद्धि है, न ये राज्य सरकार की सिद्धि है। अगर ये सिद्धि है तो स्वच्छाग्रही देशवासियों की सिद्धि है। इस काम में मसरूफ हजारों पंचायत नुमाइंदों, मुलाजमीन और सफाई सुथराई के जंगजुओं की मेहनत बिला आखिर रंग लाई। इसके नतीजे में देही सफाई की कवरेज जो कि साल 2014 में 39% थी, साल 2019 तक बढ़कर 100% हो गई। तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 10.28 करोड़ से ज्यादा बैतुल खुला बनाए गए। 2 अक्टूबर 2019 तक हिंदुस्तान के तमाम अजला ने अपने आप को खुले में बैतुल खुला से पाक करार दिया था। इस मुहिम की कामयाबी का सेहरा 4 सुतून पर निर्भर रहा, जिसे अंग्रेजी में 4 PS के नाम से जाना गया। इन 4 P में सियासी कयादत, अवामी मालियात, शराकत दारी, अवाम की शिरकत शामिल है। पहले मरहले में ये तहरीक कामयाब रही क्योंकि इसकी कयादत मोहतरम वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने खुद की थी। एक करारदाद जिसमें कहा गया था कि खुले में रफाए हाजत को 5 सालों में खत्म करना है, हकीकी मानों में यह अवामी तहरीक बन गई जिसमें हर शोबा है जिंदगी से 130 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। खुले में रफाए हाजत से पाक मुल्क के अहम हदफ के हुसूल के बाद भी सफाई सुथराई के लिए काम जारी है। यह भी जरूरी है कि इस फायदे को बरकरार रखा जाए जो कि प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता 5 सालों में हासिल किया गया है। इस प्रोग्राम को जारी रखते हुए हुकूमत हिंद ने फरवरी 2020 में कुल तखमीना 1,40,881 करोड़ रुपए के साथ खुले में रफाए हाजत से पाक हैसियत को बरकरार रखने और ठोस और माए फजले के इंतजाम पर तवज्जो मरकूज करने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हिस्सा 2 लॉन्च किया गया। तो क्या मोदी जी के आने के बाद भारत में स्वच्छ भारत मुहिम शुरू हुई वसीम? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत सी हुकूमतों ने अपने वक्त पर मुख्तलिफ तरीकों से सफाई का मसला उठाया। देही हिंदुस्तान के लिए पहला सफाई प्रोग्राम 1954 में शुरू किया गया, जिसे हुकूमत हिंद का पहला 5 साला मंसूबा भी कहा जाता है। क्या उस वक्त मुल्क को साफ सुथरा बनाने का मामला इतना संगीन था? हाँ मेरी प्यारी दोस्त नूर, क्या आप जानते हैं कि 1981 की मर्दमशुमारी में देही हिंदुस्तान में सफाई सुथराई की कवरेज सिर्फ 1% थी और उसको मद्देनजर रखते हुए देही सफाई पर ज्यादा जोर दिया गया। तो इन चैलेंजों से निमटने के लिए किस किस्म के इकदामात किए गए वसीम? हुकूमत हिंद ने सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम साल 1986 में शुरू किया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद देही लोगों को सफाई सुथराई से आगाह करके उनके मेयार जिंदगी को बेहतर बनाना था। मैं आपको स्वच्छ भारत से मुतालिक कुछ हकायक के बारे में बताता हूँ। हिंदुस्तान में बहुत सी हुकूमतों ने अपने अपने औकात में मुख्तलिफ तरीकों से सफाई का मसला उठाया है। देही हिंदुस्तान के लिए पहला सफाई प्रोग्राम 1954 में शुरू किया गया था, जैसे हुकूमत हिंद का पहला 5 साला मंसूबा भी कहा जाता है। इस हकीकत के पेश नज़र कि देही हिंदुस्तान में सफाई की कवरेज 1981 के मर्दमशुमारी में सिर्फ 1% थी। इस बात को जहन में रखते हुए पीने के पानी और सफाई के लिए बैनुल अक्वामी दिहाई 1981 से 90 ने देही सफाई पर ज्यादा जोर दिया। हुकूमत हिंद ने साल 1986 में सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद देही आवाम के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाना और खवातीन को इज्जत देना था। साल 1999 के बाद से कुल स्वच्छता मुहिम ने लोगों में शुऊर बढ़ाने के लिए मालूमात, तालीम और मवासिलात समेत इंसानी वसाइल की तरक्की पर तवज्जो दिया गया।
इस मुहिम ने लोगों को दिगर सर्विस मैकेनिज्म के जरिए अपनी माशी हालत के मुताबिक मुनासिब ऑप्शंस मुंतखब करने में मदद मिली। इस मुहिम के तहत गुर्बत के लकीर से नीचे वाले खानदानों को खानदानी बैतुल खुला की तामीर और इस्तेमाल के लिए माली मराआत भी दी गई। सफाई के हुसूल की कोशिशों को एक बड़ी और मायने खैज शक्ल मिली जब हिंदुस्तान के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया। इस प्रोग्राम ने शहरों के साथ साथ देही इलाकों में भी अपनी चमक दिखाई है और साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के आगाज के बाद देहात में 10 करोड़ से ज्यादा बैतुल खुला बनाए गए। अक्टूबर 2019 तक मुल्क के तमाम देहात, तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने अपने आप को खुले में रफ़ए हाजत से पाक करार दे दिया है। बैतुल खुला की तामीर के बाद तो स्वच्छ भारत का हदफ पूरा हो ही गया ना वसीम। हुकूमत का हदफ न सिर्फ बैतुल खुला बनाना है, स्वच्छ भारत अभियान की कोशिश एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जो कचरे और गंदगी से पाक हो। इसलिए उन देहात को खुले में रफ़े हाजत से पाक देहात के जुमरे में रखा गया है। खुले में रफ़े हाजत से पाक हैसियत को पायदार तरक्की से बरकरार रखने और ठोस और माए फजले के इंतजाम के लिए हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करना है। देहात को साफ रखने का काम किस तरह से किया जा रहा है वसीम? देही हिंदुस्तान के लोगों और बरादरियों की सलाहितों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मुहिम खास तौर पर उनके लिए डिजाइन किया गया है ताकि देही इलाकों में खुले में रफ़े हाजत से पाक हैसियत को बरकरार रखने और ज़ाती हिफ्ज़ाने सेहत को बरकरार रखने के लिए आसानी हो। हुकूमत का हदफ न सिर्फ बैतुल खुला बनाना है, स्वच्छ भारत अभियान की कोशिश एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जो कचरे और गंदगी से पाक हो। इसलिए सिर्फ उन देहातों को खुले में शौच से पाक देहात के जुमरे में रखा गया है जो काबिल है कि खुले में रफ़ाए हाजत से पाक हैसियत को पायदार तरक्की से बरकरार रखने के लिए और ठोस और माए फजले के इंतजाम के लिए हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल पैरा है। देही हिंदुस्तान के लोगों और कम्युनिटियों की सलाहियत को इस्तेमाल स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया जा रहा है। ये मुहिम खास तौर पर उनके लिए खुली रफ़ाए हाजत से पाक हालत को बरकरार रखने और देही इलाकों में ज़ाते हिफ्ज़ाने सेहत पर अमल करने के लिए बनाई गई है। इस काम को करने के लिए हिदायत दर्ज ज़ेल हैं। गांव के हर प्राइमरी स्कूल, पंचायत घर और आंगनवाड़ी मराकज में बैतुल खुला होना चाहिए। गांव में रवैये में तब्दीली की बातचीत जारी रहनी चाहिए और लोगों को सफाई के बारे में आगाह होना चाहिए। मालूमात, तालीम और मवासिलात को आवाम तक सफाई का पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर गांव में 100 से ज्यादा घराने हैं तो वहां कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कम से कम 80% घरों और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तमाम अवामी मकामात पर सॉलिड वेस्ट का मुयस्सर इंतजाम हो। माए फजले के इंतजाम के लिए कम से कम 80% घरों और तमाम अवामी मकामात का मुयस्सर इंतजाम हो। गांव में प्लास्टिक के कचरे को जमा करने और उसे गीले कचरे से अलग करने का निजाम हो। तमाम स्कूलों, आंगनवाड़ी मराकज, गांव के पंचायत घरों में दीवार की पेंटिंग्स या इश्तेहारात के जरिए सफाई के पैगामात दिखाए जाने चाहिए। मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग बैतुल खुला फराहम करें। अवामी मकामात पर कूड़ा करकट या पानी जमा ना हो। रहनुमाई उसूल। स्वच्छ भारत अभियान 2 के तहत इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी कि कोई शख्स पीछे ना रह जाए। प्रोजेक्ट की मदद के दौरान बनने वाली तमाम नई खानदानों और पिछले मरहले में मुस्तहिक खानदानों को सफाई की सहूलियत फराहम की जाए। ऐसे खानदानों की शनाख्त का काम ग्राम पंचायत करेगा।
ऐसे घरानों के लिए कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स की तशकील, जो जगह की तंगी की वजह से बैतुलखला की तामीर से कासिर है या जो आर्जी आबादी के तौर पर रहते हैं। ठोस और माए फजले के इंतजाम के लिए कम्युनिटी असासों की तख्लीक को तरजीह दी जानी चाहिए। ठोस और माए फजले के इंतजाम के काम को मनरेगा समेत मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए बेहतर बनाया जाना चाहिए। पंचायत के नुमाइंदे लोगों को कूड़ा करकट इकट्ठा करने, अलाहिदगी और इंतजाम से मुतालिक चैलेंजों से आगाह करें। लोगों को कम फजला कंपोस्ट, जानवरों का गोबर, सनातों में प्लास्टिक के फजले को प्रोसेस करने और सीवेज का पानी जेर जमीन पानी को रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल करने की तरगीब दें। कारोबारी मॉडल का इस्तेमाल। ठोस और माए फजले के इंतजाम की खिदमात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकारी शोबे के साथ साथ निजी शोबे की मदद लेना जरूरी है। लिहाजा रियासतों को देही इलाकों में लोगों को सफाई की खिदमात पहचानने के लिए निजी शोबे का तावुन लेना चाहिए। स्वच्छ भारत के अहदाफ को मुनासिब इंतजामात के जरिए हासिल किया जा सकता है, जो कि मुनाफे मॉडल, सही लागत का इश्तराक, लागत की वसूली और आमदनी के उसूलों पर मबनी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और देही तंजीमों की मदद से कचरे को तिजारती, इक्तिसादी और तख्लीकी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बैतुलखला के इंतखाब में महफूज टेक्नोलॉजी का इंतखाब किया जाना चाहिए, जैसे ट्विन पीट सोप गढ़ों के साथ सेप्टिक टैंक, एकुसेंस और बायो टॉयलेट वगैरह। हुकूमत हिंद रियासतों को इख्तियार देती है कि वो टेपोग्राफी, जमीनी पानी की सतह, मिट्टी की हालत वगैरह पर मबनी मुनासिब टेक्नोलॉजी का इंतखाब करें। अब मैं कुछ कुछ समझ रही हूँ वसीम, लेकिन मुझे बताओ कि स्वच्छ भारत के तहत देहात की सफाई के लिए किन खास बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए? देहात को साफ सुथरा बनाने के लिए घरेलू और कम्युनिटी बैतुलखला की तामीर के दौरान इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जमीन, पानी और पानी के जराए का इस्तेहसाल न हो। इसी तरह घड़ों वगैरह की गहराई के लिए मायारी फ्रेमवर्क पर भी अमल किया जाए। क्या बैतुलखला की मरम्मत का काम भी स्वच्छ भारत में ही शामिल है? फालियत और सफाई के निजाम को बरकरार रखने के लिए वक्तन फवक्तन बैतुलखला की मरम्मत और सफाई का काम होना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में भी तफसील से बताता हूँ। बैतुलखला तामीर करते वक्त इन बातों का ख्याल रखें। घरेलू और कम्युनिटी बैतुलखला की तामीर के दौरान इस बात को यकीनी बनाएं कि जमीनी और पानी के जराए किसी भी तरह से आलूदा ना हो। घड़े की गहराई वगैरह के लिए मायारी खाका पर अमल करें। फ़ालियत और सफाई को बरकरार रखने के लिए बैतुलखला की वक्तन फवक्तन मरम्मत और सफाई होनी चाहिए। कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए SC/ST अक्सरियती बस्तियों, गांवों के करीब तरीन इलाकों या तारिकीन वतन, मजदूरों, आर्जी आबादी वगैरह को तरजीह दें। कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स में मुनासिब तादाद में टॉयलेट सेट, बाथरूम, कपड़े धोने के प्लेटफॉर्म, हैंड वॉश बेसिन वगैरह होना चाहिए। कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि उसे माजूर अफराद भी इस्तेमाल कर सकें। कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स के लिए माली इमदाद प्रोग्राम फाइनेंसिंग सेक्शन में दिए गए फंडिंग के मेयार के मुताबिक दी जाती है। कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स के ऑपरेशन और देखभाल की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। ग्राम पंचायत अगर चाहे तो कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स को पे एंड यूज मॉडल के जरिए चला और बरकरार रख सकती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक कामों की जिम्मेदारी गांव की पंचायतों पर आयद होती है। पंचायत ये काम किसी भी एजेंसी, अफराद के ग्रुप या रियासत या जिली इंतजामिया के तैयार करदा प्रोटोकॉल के मुताबिक कर सकती है।
गांव, ब्लॉक और जिले सतह पर सरगर्मियों के नफाज के लिए एजेंसियों को उनके माजी के काम के तजुर्बे, तकनीकी सलाहियतों और कम तनख्वाह देने वाली मुयस्सर काम की बुनियाद पर मुंतखब किया जाना चाहिए। मुझे याद आ रहा है वसीम, फातिमा बताती थी कि उसके वालिद फलों और सब्जियों के फसले से खाद बनाते हैं और इस खाद को ज़रई मकासिद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ नूर, इस किस्म के कचरे को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। आसान जबान में इस कचरे को नामियाती फजला भी कहा जाता है। ये हमारी फितरत और माहौल में घुलने से बहुत आसानी से तबाह हो जाता है। इन कचरे में फल, सब्जियों के छिलके, जानवरों का फजला, ज़रई फजला वगैरह शामिल है। क्या देहात में इस तरह के कचरे का कोई इस्तेमाल हो सकता है वसीम? इस किस्म का फजला शहरों के मुकाबले में देहात में ज्यादा है, लिहाजा ग्राम पंचायतों के नुमाइंदों को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के इंतजाम पर तवज्जो देनी चाहिए। कंपोस्टिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ऐसा ही एक तरीका है, जिसमें ठोस फजले के नामियाती अज्जा माहौल में मनफी असर डाले बगैर मिट्टी में शामिल होते हैं। आइए मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का आम जबान में नामियाती फजला भी कहा जाता है। यह हमारी फितरत में घुलकर बहुत आसानी से तबाह हो जाती है और माहौल को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। इन फजले में किचन से फलों और सब्जियों के छिलके, जानवरों का फजला, ज़रई सरगर्मियों का फजला वगैरह शामिल है। इस किस्म का फजला शहरों के मुकाबले में देहात में ज़्यादा पाए जाते हैं, लिहाजा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का इंतज़ाम ग्राम पंचायतों के नुमाइंदों को दिया जाए। कंपोस्टिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ऐसा ही एक तरीका है, जिसमें ठोस फजले के नामियाती अज्जा माहौल में मनफी असर डाले बगैर मिट्टी में शामिल होते हैं। आइए हम आपको इसके बारे में तफसील से बताते हैं। कंपोस्टिंग अमल थर्मोफिलिक दर्जे हरारत पैदा करता है। इस हयातियाती तौर पर पैदा होने वाले गर्मी की वजह से हतमी पैदावार जरासीमों और पौधों के बीजों से पाक और मुस्तहकम है। घर में खाद के गढ़ों के इंतखाब के वक्त ये बात जहन में रखनी चाहिए कि वो पीने के पानी के मनबा से दूर रहें। घड़े ऐसे बनाए जाए जहां पानी की आम लॉगिंग ना हो। हर घड़े को इस साइज का होना चाहिए कि कम से कम 6 माह का बायोडिग्रेडेबल फजला डैम कहा जा सके। ऐसी जगह पर गड़े बनाएं जहां से फजले और खाद की नकलो हमल आसानी से की जा सके। गड़े बनाते वक्त इस बात पर तवज्जो दें कि क्या ये हवा के बहाव की सिमत में बनाए जा रहे हैं। इन्हें इस तरह बनाएं कि वो रिहायशी इलाकों से बदबू ना उठाएं। पानी के रसाव को रोकने के लिए गड़े के इर्द गिर्द एक डैम बनाएं। मिट्टी के हालत के मुताबिक गड़ा बनाएं। साइट की जरूरियात और जमीन की दस्तयाबी को मद्देनजर रखते हुए गड़ों की तादाद और साइज में तरमीम करें। अगर सनाती तिजारती मार्केट मराकिज हैं तो इजाफी गड़े बनाए जाएं, ताकि पैदा होने वाले कचरे की मकदार के मुताबिक बस्तियों की तादाद और लोगों की बढ़ती हुई आबादी पर इन्हिसार करते हुए हाथ के घड़ों में इजाफा किया जा सकता है, या जरूरत के मुताबिक घड़े की झुरमुट में मुनासिब तब्दीलियां की जा सकती है। घड़ों के दरमियान फासला कम से कम 1.5 मीटर होना चाहिए। जहां भी मुमकिन हो एक बस्ती को एक यूनिट के तौर पर रखते हुए घड़ों की खुदाई की जाए। अगर बस्तियों की आबादी बहुत कम है तो 2 या ज्यादा बस्तियों के ग्रुप के लिए गड़े खोदे जाएं। अच्छा वसीम, मुझे बताओ कि स्वच्छ भारत अभियान में पंचायतों का क्या किरदार है? पंचायतें इस मुहिम में मुयस्सर तरीके से अपना किरदार अदा करती हैं। आईन के 73वीं तरमीमी एक्ट 1992 के मुताबिक सफाई को 11वीं शेड्यूल में रखा गया है, लिहाजा
स्वच्छ भारत मिशन में ग्राम पंचायतों का किरदार अहम है। सिर्फ पंचायती राज के इदारे ही इस प्रोग्राम को मकामी सतह पर बामाने बना सकते हैं। क्या दूसरी किस्म की स्कीम इस मुहिम में मददगार साबित हो सकती है? 15वीं फाइनेंस कमीशन के जानिब से सफाई के कामों के लिए फंड्स मुख्तस करने के बाद पंचायती राज इदारों का किरदार और भी अहम हो जाता है। 15वीं फाइनेंस कमीशन और मनरेगा फंड्स की ग्रांट से ग्राम पंचायतों की तरफ से फंड की जाने वाली सरगर्मियों को सफाई के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आईन के 73वीं तरमीम एक्ट 1992 के मुताबिक सफाई को 11वीं शेड्यूल में रखा गया है, लिहाजा स्वच्छ भारत मिशन में ग्राम पंचायतों का किरदार अहम है। सिर्फ पंचायती राज के इदारे ही इस प्रोग्राम को मकामी सतह पर बामाने बना सकती हैं। 15वीं फाइनेंस कमीशन के जानिब से सफाई के कामों के लिए फंड मुख्तस किए जाने के बाद पंचायती राज इदारों का किरदार और भी अहम हो जाता है। 15वीं फाइनेंस कमीशन और मनरेगा फंड्स की ग्रांट से ग्राम पंचायतों की तरफ से फंड किए जाने वाली सरगर्मियों को सफाई के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सफाई के लिए मुख्तस तमाम फंड्स को पीने के पानी और सफाई के महकमे और वजारत पंचायती राज की तरफ से मुश्तरका तौर पर लगाया और इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के दायरे कार में काम करने वाली तमाम कमेटियां अपनी मुतालिका सतह पर सफाई के प्रोग्रामों को तरजीह दे सकती है। इस योजना से लोगों को, खास तौर पर ख्वातीन और पसमानदा लोगों को इस स्कीम से जोड़ने के लिए गांव की सफाई का मंसूबा तैयार करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि खुले में रफाए हाजत को बरकरार रखने और ठोस और माए फजले के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए एक काबिल एतमाद मंसूबा बनाया जा सकता है। ग्राम पंचायत अपने अफसरान और मुलाजमीन यानी पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत DEO के जरिए इस बात को यकीनी बनाएगी कि इस स्कीम में अगर कोई तब्दीली हो तो फौरी तौर पर इसका पता लगा लिया जाए। आपकी बात सुनने के बाद मैंने सोचा कि मैं कितनी बार टॉफी के छिलके यहाँ वहाँ फेंक देती हूँ, यहाँ तक कि वो छिलके भी हमारे माहौल को नुकसान पहुँचाते हैं। हाँ, वो छोटा छिलका भी जमीन को बहुत परेशानी का बास बनता है। छिलका प्लास्टिक से बना होता है। ये प्लास्टिक क्या होता है? ये जमीन को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है? टॉफी छिलकों के अलावा और क्या क्या प्लास्टिक से बनाया जा रहा है, मुझे तफसील से बताएं वसीम। ठीक है ठीक है, अब मैं तुम्हें और यहाँ मौजूद सभी लोगों को प्लास्टिक के बारे में तफसील से बताता हूँ। गौर से सुनो। प्लास्टिक हमारे रोजमर्रा के मामूल का हिस्सा बन चुका है। आज भी जम्मू कश्मीर के देहात में प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हर रोज की अशिया अब प्लास्टिक की बनी हुई है, जिसकी वजह से रियासत में कई तरह की बीमारियां फैलने लगी है। सेंट्रल आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे मुल्क में हर रोज बड़ी तादाद में प्लास्टिक का फजला पैदा होता है, जिसमें बहुत कम रिसाइकिल किया जाता है। प्लास्टिक के फजले में सबसे ज्यादा खतरनाक सिंगल यूज प्लास्टिक है, यानी वो प्लास्टिक की मसनूआत जो आम तौर पर सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल होती है। इस तरह की प्लास्टिक मसनूआत में स्ट्रॉ, पानी की बोतल, फोम वाले कप, प्लेटें, कटोरे, लेमिनेशन शीट, छोटे कंटेनर, ईयरबड शामिल है। सिंगल यूज प्लास्टिक माहौल के लिए खतरनाक क्यों है? सिंगल यूज प्लास्टिक मायारी तौर पर 40 माइक्रोमीटर से कम है, इसलिए उन्हें आसानी से तबाह या रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। इनको जलाने से स्टाइरीन गैस खारिज होती है, जो जमीन पर मौजूद जानदारों के लिए खतरनाक है। हामिला खवातीन और दम के मरीजों को इससे खास खतरा है। कई तहकीकों में इस गैस को कैंसर की वजह से भी समझा गया है।
सिंगल यूज प्लास्टिक पानी की आलूदगी में सबसे बड़ा माफून है। प्लास्टिक का फजला चिनाब, सिंध, झीलम और रावी सिमत दिगर दरियाओं में तेजी से फैल रही है। आज रियासत की मिट्टी इन फजले की वजह से जहरीली हो रही है। इन चीजों को जहन में रखते हुए मुअज्जज वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने की मुहिम शुरू की है। हुकूमत हिंद मुल्क को सिंगल यूज प्लास्टिक से पाक बनाने और दूसरे मतबादिल तलाश करने की कोशिश कर रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के पंचायत राज इदारे भी अपना लाजमी हिस्सा अदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पंचायत की सतह पर सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने की जरूरत क्यों है? आसमानी खूबसूरत जम्मू कश्मीर के कई देहात आज सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान से दोचार हैं। इसके बहुत से मजर असरात मुआशरे के हर तबके पर पड़ते हैं। हमारे किसान भाई भी इससे अछूते नहीं हैं। जहां एक तरफ प्लास्टिक के कचरे की वजह से जमीन की जरखेजी कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक के कचरे के खतरनाक जहरीले केमिकल भी हमारे खुराक की अशिया मिट्टी के जरिए पहुंच रही है, जो कि बहुत सी बीमारियों का बास बन रही है। माहिरीन के मुताबिक प्लास्टिक की केमिकल से कैंसर का इम्कान कई तहकीकों में भी सामने आया है। किसानों के लिए उनके जानवरों की दौलत उनका सरमाया है, लेकिन एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक आज जानवरों और परिंदों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है। हर साल बड़ी तादाद में गाय, भैंस और दीगर जानवर यहाँ और वहाँ बिखरे हुए प्लास्टिक खाकर मर जाते हैं। बाज़ औकात कई किलोग्राम की मकदार में प्लास्टिक का फजला उन जानवरों के पेट से निकलता है। जम्मू कश्मीर के देहात को सिंगल यूज प्लास्टिक से पाक बनाने के लिए पंचायती राज महकमा कई इकदामात उठा सकते हैं, जैसे लोगों को प्लास्टिक के मजर असरात से आगाह करना, प्लास्टिक के कचरे को वसाइल के तौर पर इस्तेमाल करना, तरक्याती ब्लॉक्स में देहात की शनाख्त जहां प्लास्टिक के कचरे का मसला शदीद है, ऐसी देहात का इंतखाब और वहां प्लास्टिक पॉलीथीन फजले के लिए शेड बनाना, कॉम्पैक्टर मशीनों का इस्तेमाल, रिसाइकलिंग प्लांट लगाना, प्लास्टिक पॉलीथीन वेस्ट का मुतबादिल बनाना, प्लास्टिक के कचरे को रोजगार के तौर पर इस्तेमाल करना, 40 माइक्रोमीटर से कम प्लास्टिक की मसनूआत इस्तेमाल ना करें, कचरा फैलाने पर जुर्माना वसूल करना। देहात में ठोस फजले का मसला भी संगीन है, क्या स्वच्छ भारत के तहत इनसे निपटने के लिए भी कुछ इकदाम किए गए हैं? हाँ नूर, सॉलिड वेस्ट के मसले के पेश नज़र हुकूमत ने कम्युनिटी पर मबनी तंजीमों, एनजीओस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद लेने का फैसला किया है। इस तरह का नुक्ता नज़र स्वच्छ भारत के मकासद को हासिल करने के लिए फायदेमंद है। एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और हेल्प ऑर्गेनाइजेशन का किरदार। कम्युनिटी पर मबनी तंजीमें, एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वच्छ भारत के अहदाफ के हुसूल में मदद कर सकते हैं। ऐसी तंजीमें आवाम तक पहुंचने और प्रोग्राम को मुस्बत अंदाज में चलाने की सलाहियत रखती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल बेदारी फैलाने, सफाई सुथराई की सहूलियात घर घर पहुंचाने और ठोस और माए फजले के इंतजाम के लिए किया जा सकता है। ठोस फजला क्या है? आमतौर पर सॉलिड वेस्ट वो फजला है जो हमारे घरों, सनातों, दफातर, स्कूलों वगैरह से निकलता है। शीशे, प्लास्टिक की अशिया, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, मेडिकल सीरीज और अद्वियात की शीशियाँ ऐसी हजारों मसनूआत हैं जो इस्तेमाल के बाद फेंक दी जाती है। ठोस कचरे को ठिकाने लगाने का कोई वाजह निजाम नहीं है, तो एक तरफ वह जमीन को बंजर बनाती है तो बल्कि हमारे सेहत को भी नुकसान पहुंचाती है। टेक्नोलॉजी के इस बदलते हुए दौर में हिंदुस्तान को कई मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन जदीद दौर के खौफनाक मसाइल में कूड़ा करकट को ठिकाने लगाना भारत का एक बड़ा आलमी मसला है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के
कोई बड़े इंतजाम नहीं है, खास तौर पर शहरी जिंदगी में। बुनियादी तौर पर हम फजला को उसकी नौइयत की बुनियाद पर पांच हिस्सों में तकसीम करते हैं। ठोस फजला, घरों, सनातों और हॉस्पिटलों और स्कूलों वगैरह के फजले को ठोस फजला कहा जाता है। माए फजला, गंदा और आलूदा पानी माए फजला कहलाता है। इसमें घरों और सनातों से निकलने वाला आलूदा पानी शामिल है। खुश्क फजला, ये फजला उन मादों पर मुश्तमिल होता है जो मुकम्मल तौर पर खुश्क होते हैं। आम तौर पर वो आतिशगीर होते हैं क्योंकि इनमें माए बिल्कुल नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल फजला, कार्बन से भरपूर मादे जो मिट्टी में दबाने से गल जाते हैं, उन्हें उन फजले के जुमरे में रखा जाता है। गैर बायोडिग्रेडेबल फजला, ये ज्यादातर ठोस प्लास्टिक और धात के बाकियात हैं। वो बहुत नुकसानदेह होते हैं और बोसीदा हुए बगैर तवील अरसे तक इसी हालत में रहते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आगे की राह, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काम में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की शिरकत के लिए अवामी बेदारी पैदा करना, शहरी मकामी रास्ते की जरूरत के मुताबिक कचरे को जमा करने, छांटने, नकलो हमल और प्रोसेसिंग के लिए एक्शन प्लान तैयार करना, कचरे की प्रोसेसिंग के लिए सहूलियात के कयाम पर जोर दिया जाए, रद्दी की टुकड़ी से वसाइल के अलाहदगी पर जोर देते हुए तहकीक और तरक्याती सरगर्मियों की हौसला अफजाई की जाए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुख्तलिफ एहतमाम के तहत सलाहियत की तामीर, रियासती और जिलाई सतह पर मुनासिब गवर्नेंस ढांचे की तश्कील, वाज़े तौर पर शहरी बल्दियाती इदारों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, कचरे को ठिकाने लगाने और कूड़ा इकट्ठा करने छांटने के काम में गैर रस्मी शुबों को शराकत दार बनाने की जिम्मेदारी सौंपना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बुनियादी मकसद प्लांट के जरिए ज्यादा से ज्यादा कचरे को दोबारा इस्तेमाल या खाद में तब्दील करने के लिए तैयार करना है। इस फजले को सही तरीके से इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जा सकती है। इसी तरह जमीन के हुसूल की बड़ी मकदार को भी रोका जा सकता है। ठीक है नूर, मुझे बताएं कि आप ई फजला के बारे में क्या जानते हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि गैर इस्तेमाल शुदा इलेक्ट्रॉनिक आलात को यहाँ और वहाँ फेंक कर ई वेस्ट का मसला बढ़ता जा रहा है। हाँ, आप ठीक कहती हैं कि यहाँ और वहाँ बेकार इलेक्ट्रॉनिक आलात फेंकने की वजह से जमीन खतरे में है। लेकिन वसीम, आज के दौर में तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, मवासिलात, कारोबार वगैरह के शोबों में हर काम इलेक्ट्रॉनिक आलात से किया जा रहा है। ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के बगैर कुछ काम किया जाना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक फसले को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें इसके बारे में तफसील से बताता हूँ। टेक्नोलॉजी में हर नई तहकीक इंसानी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना रही है। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से हम दुनिया के हर शोबे में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जो काम कल तक दुनिया के लिए नामुमकिन था, आज ये टेक्नोलॉजी की मदद से आराम से किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने टेक्नोलॉजी के इस दौर की ताकत को भी पहचान लिया है। यही वजह है कि मुल्क की हर रियासत में बर्की और इलेक्ट्रॉनिक अशिया की मांग बढ़ रही है। ये आलात आज मुल्क में लोगों के तर्ज जिंदगी और काम काज को तेजी से आसान बना रही है। आज के दौर में तालीम, सेहत, नकलो हमल, मवासिलात, कारोबार,
किसी भी शोबे में बगैर किसी इलेक्ट्रॉनिक आलात के किया जा सकता है। इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इस्तेमाल के वक्त हमारे लिए एक नेमत की तरह है, वही इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत नाकाबिल इस्तेमाल होने के बाद ज़मीन के लिए एक हकीकी लानत बन रही है। हर साल जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक आलात बनाती है वह अपनी मसनूआत को कुछ या दूसरी खसूसियात के साथ मार्केट में लाती है। लोग उन मसनूआत की तरफ मुतवज्जे होते हैं, यहाँ तक कि जब उन्हें ज़रूरत ना हो और उन्हें खरीदे। उसके नतीजे में पुराने इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत को बहुत जल्द नाकाबिल इस्तेमाल समझा जाता है और कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। यही वजह है कि आज इलेक्ट्रॉनिक फजला दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। इस्तेमाल के बाद यहाँ और वहाँ बर्की इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया फेंकने की वजह से कई किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं। वक्त के गुजरने के साथ साथ मार्केटिज्म की सकाफत ने आज के दौर में इस मसले को मजीद शदीद बना दिया है। समाजी और माहौलियाती मुफक्किर के तौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही मानों में एक अच्छा ख्याल है, क्योंकि अगर माहौल आलूदा है तो ये बराए रास्त इंसानी सेहत को मुतासिर करता है। अगर हमें ई वेस्ट में इजाफा रोकना है तो हमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। इन फसले को गैर साइंसी तरीके से ठिकाने लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से पानी, मिट्टी और हवा जहरीले होते जा रहे हैं। इससे पैदा होने वाले आलूदगी हमारे जिस्म को बहुत सी बीमारियों का सबब बनती नजर आ रही है, जिसे जैसे खून के निजाम में खराबी, गुर्दे और दिमाग के इमराज, सांस की खराबी, जिल्द की खराबी, गले की सूजन, फेफड़ों का कैंसर, दिल की बीमारियां वगैरह। इन फसले में ज्यादातर लेड, मरकरी, कैडमियम, कोबाल्ट जैसे खतरनाक अनासुर की बड़ी मकदार होती है, जिसकी वजह से इनसे निकलने वाले केमिकल पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ई वेस्ट से निपटने के लिए पंचायत क्या कर सकती है? ई वेस्ट के मसले पर एक मीटिंग का एहतमाम करें। ई वेस्ट पर आगाही रैली का इनेकाद। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पानी के जखायर या जरखेज जमीन पर ना फेंके जब वो नाकाबिल इस्तेमाल हो। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत को बंद करें जब वो काम नहीं कर रहे हो, तो उससे एक तरफ तवानाई की बचत होगी जबकि आपका बिजली का बिल भी कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत जब वो काम नहीं कर रहे हैं तो बंद करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा देर तक रहेगा। ध्यान रहे नूर, स्वच्छ भारत मिशन 2 का मकसद गांव वालों को सफाई और ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत से आगाह करके उनके रवैये को तब्दील करना है। सफाई को रवैये का हिस्सा बनाने के लिए किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए वसीम? हिकमत आमली और मंसूबा बंदी के तहत मालूमात, तालीम और मवासिलात को इस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि ये तहरीक आवाम तक पहुँच जाए। आइए मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ। स्वच्छ भारत में मालूमात, तालीम और मवासिलात की शराकत। स्वच्छ भारत मिशन 2 का मकसद देही इलाकों को सफाई और ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत के बारे में आगाह करके उनके रवैये को तब्दील करना है। इसलिए हिकमत आमली और मंसूबा बंदी के तहत मालूमात, तालीम और मवासिलात को इस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि तहरीक अवाम तक पहुंच जाए। तशहीर और इस्तेताद बढ़ाने के लिए निचली सतह के रिपोर्टर्स, सहाफियों और मीडिया सेक्टर के माहिरीन के साथ प्रोग्राम शेयर करके मकबूलियत को बढ़ाना। वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसों और सफाई के प्रोग्रामों को अखबारात और मकामी चैनल्स में नुमाया तौर पर दिखाकर उनको मुयस्सर बनाना। लोगों को मीडिया के जरिए पहले से सफाई के प्रोग्रामों की तंजीम के बारे में आगाह करना। स्कूलों में बच्चों को सफाई पर अखलाकी तालीम देना।
स्कूलों में सफाई के मौसम पर तकारीर, नज़में, मुबाहिसे, रैलियों और दिगर प्रोग्रामों का एहतमाम करना, स्ट्रीट ड्रामों के जरिए लोगों को सफाई सुथराई के बारे में तालीम देना, गांव में सफाई मीटिंग का इनेकाद करना, मकामी कम्युनिटी से बराए रास्त राब्ता कायम करने के लिए वॉल पेंटिंग, डोर टू डोर मैसेज, ग्राम सभा, स्ट्रीट ड्रामे, कम्युनिटी रेडियो और दिगर मीडिया का इस्तेमाल करना। आज मैंने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बहुत कुछ सीखा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि हमारे पंचायत के नुमाइंदों ने भी आज स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बहुत कुछ सीखा है। ये तरबियती सेशन उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।